अब यहाँ पे ये वाले मैच पे मेरा रैंक यहाँ पे पूरे इंडिया में नंबर 2 पे चल रहा था। मेरे ऊपर जो नंबर 1 पे हैकर बैठ रखा था उसको नीचे गिराने के लिए सिर्फ मेरे को एक चिकन डिनर और चाहिए था। तो ये जो है अब एक मैच है रिस्क लेने का सोचता हूँ, जिससे मुझे पता था या तो मेरा 100% ये मैच में चिकन कन्फर्म हो जाएगा वरना मैं अभी यहाँ पर मर जाऊँगा। तो यार आज अपना 40 डेज कॉन्कर चैलेंज का डे नंबर 8। फिलहाल के लिए अभी भी यहाँ पे अपना लेजिट रैंक BGMI के अंदर नंबर 1 पे चल रहा है। एंड यहाँ पे अपने 40 डेज कॉन्कर चैलेंज वाले अकाउंट की बात करूँ तो आज मैंने टोटल 3 मैचेस खेले। एंड यहाँ पे सिर्फ मैंने 3 मैचेस में ही 120 पॉइंट के आसपास अच्छा खासा प्लस निकाल लिया। टीयर की बात करूँ तो ये वाले अकाउंट में अभी मैं क्राउन 5 पर पहुँच चुका हूँ। आप लोगों का रैंक एंड टीयर भी क्या चल रहा है एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। बाकी वीडियो पूरे एंड तक देखना, अगर आपको लगे मैं डिज़र्व करता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। सिर्फ यार आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं। आज वाली वीडियो की बात करें तो आज वाली वीडियो में टोटल 3 गेम प्लेज है। तीनों गेम प्लेज काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रहेंगे, वीडियो पूरे एंड तक देखो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अभी के लिए ये वाले गेम प्ले की बात कर लेते हैं। तो अभी गाड़ी लेके जस्ट यहाँ पर मैं जोन के अंदर आया था तभी यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर एक मेरे को ड्रॉप दिख जाता है। BRDM वाले बंदे को मैंने वहाँ से एक बॉडी शॉट मारा था लेकिन इसके बाद बंदा बच के निकल जाता है। फिलहाल के लिए वापस यहाँ पे M4 पे मैं स्विच कर लेता हूँ। ये वाले बंदे को तो यहाँ पे इजी फिनिश कर दिया लेकिन तभी पीछे बानास वाली साइड से एक बंदा अपनी गाड़ी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो अभी यहाँ पे ये वाले बंदे भी मैं क्लोज इन करने का सोचता हूँ लेकिन देखना है यहाँ पे क्या सीन होगा। अब यहाँ पे ये वाला बंदा मेरे को एकदम 1 HP कर देता है। इतनी कम हेल्थ में मैं रुक के फाइट तो ले नहीं सकता था लेकिन यहाँ पे ये वाला बंदा भी अपनी बग्गी लेके अभी मेरे पीछे पड़ जाता है। अब यहाँ पे मैं फाइट अवॉइड करने का ट्राई कर रहा था लेकिन ये वाला बंदा अभी तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। तो अभी यहाँ पे मैं सोचता हूँ आगे साइड पे रुक के भाई को थोड़ा सरप्राइज देते हैं। फिलहाल अभी के लिए मैं इसके बाद वाला जोन भी बनने का वेट कर लेता हूँ। जैसे ही यहाँ पे जोन शिफ्ट होता है डायरेक्ट अभी जोन के लिए निकलते हैं।
ये वाले बंदे के हाथ में भी शॉटगन थी, लेकिन सामने वाले बंदे को फायर करने का मौका मैंने दिया नहीं। तभी यहाँ पे क्या सीन होता है, एक और बंदा अपने पे गाड़ी लेके रुक जाता है। फिलहाल के लिए अच्छी बात ये थी, इसके बाद वाला जोन भी अपने ऊपर बन गया था। लेकिन अभी मेरे को बता था जोन के बाहर वाली साइड से भी काफ़ी बंदे जोन के अंदर आने का ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे कारपेट वाला बंदा तो जोन से फिनिश हो जाता है फिलहाल के लिए, इसके बाद वाला जोन अपने शिफ्ट हो जाता है। तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट मैं जोन के अंदर जाने का सोचता हूँ, लेकिन अभी भी यहाँ पे अपने को छोड़ के 4 बंदे और लाइव हैं। अब यहाँ पे देखो, एक अपने राइट साइड में गाड़ी ले रखी थी, एक बंदा राइट साइड दूर से फायर कर रहा था, एंड एक बंदा जस्ट अपने नीचे साइड पे बग्गी लेके रुकता है। ये वाला नेट अगर आपको यहाँ पे अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अब यहाँ पे सिर्फ एक लास्ट बंदा बचा है फिलहाल के लिए, मैं जोन बनने का वेट करता हूँ। लास्ट वाला जोन भी अपने ऊपर बन जाता है। एंड यहाँ पे लास्ट वाला बंदा भी अपने को ओपन में भागता हुआ स्पॉट हो जाता है। अब मैं ये वाले गेम की बात करूँ तो यहाँ पे आप सिर्फ अभी प्लस देखो, सिर्फ अपने को एक मैच में ये वाले 51 पॉइंट का प्लस मिला है। अभी चल लेते हैं आज के अपने सेकंड गेम प्ले पे। फिलहाल के लिए यहाँ पे पहले मैं जोन बनने का वेट कर रहा था, जैसे ही जोन बनता है अभी के लिए ये वाला कंपाउंड यहाँ पे जोन के अंदर था, यहीं पे आके मैं रुक जाता हूँ। बग्गी वाले बंदे को तो इजी गिरा दिया था फिलहाल के लिए, इसके बाद वाला जोन भी अपने ऊपर बन जाता है। गाड़ी वाला बंदा यहाँ पे अभी सीधा अपनी गाड़ी लेके पानी के अंदर घुस जाता है।
अब यहाँ पे अपने को छोड़ के तीन बंदे और बचे हैं। एक बंदा तो मेरे को पता था राइट साइड में गाड़ी वाला पानी के अंदर ही होगा। एंड भी यहाँ पे राइट साइड में दो बंदों की फाइट होती है। फिलहाल के लिए यहाँ पे जोन शिफ्ट हो गया था, अपने को भी जोन के अंदर जाना है। अब यहाँ पे मेरे को लग रहा था ये वाला बंदा नीचे साइड पे बैठ रखा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये बंदा ऊपर साइड पे था। ये वाला बंदा भी यहाँ पे लास्ट में इजी नेयर से फिनिश हो गया। बाकी ये वाले गेम की बात करूँ, ये वाले गेम में अपने को मिला था 27 पॉइंट का प्लस। अभी फिलहाल चल लेते हैं आज के अपने लास्ट गेम प्ले पे। अभी के लिए यहाँ पे मैं जोन बनने का वेट कर रहा था, लेकिन ये जोन अपने ऊपर बन जाता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे ये वाला वुडन शेक जोन के अंदर था, यहीं पर आके मैं रुक जाता हूँ। अभी के लिए इसके बाद वाला जोन बनने का वेट करता हूँ, ये वाला जोन मिले के लिए अपने ऊपर बन जाता है। अब यहाँ पे बीआरडी वाले बंदे को मैंने फिनिश कर दिया था। फिलहाल के लिए इसके बाद वाला जोन अपने शिफ्ट हो जाता है। अभी भी यहाँ पे टोटल 10 बंदे अलाइव है। अब यहाँ पे मैं सामने वाले बंदे का बीआरडीएम जोन के बाहर जाके लाने का सोच रहा था, लेकिन यार यहाँ पे देखो बीआरडीएम की स्पीड काफ़ी स्लो होती है। एंड ये वाले जोन में मैं बाहर जाऊँगा, जोन अपने को बहुत ज़्यादा डैमेज देगा। लेकिन यहाँ पे रैंक 1 पे आने के लिए मेरे को ये वाले मैच में कुछ भी करके चिकन निकालना ही था। लेकिन यहाँ पे मेरे को पता था अगर बीआरडीएम मेरे को मिल जाता है तो मैं 99% ये वाले मैच में चिकन निकाल लूँगा। तो यहाँ पर मैं रिस्क लेके जोन के बाहर आता हूँ, लेकिन ये वाला जोन देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा है।
लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे मैं BRDM लेके अभी जोन के अंदर आ जाता हूँ, पहले यहाँ पे मैं जल्दी से हील लगा लेता हूँ। अभी यहाँ पे जोन भी स्टार्ट हो चुका था, BRDM लेके मैं जोन की साइड निकलता हूँ। तभी यहाँ पे नीचे बादहाउस वाली साइड से मेरे को एक नहीं दो दो गाड़ियाँ आती स्पॉट होती है। दूसरा गाड़ी वाला बंदा भी सामने साइड पे आके रुक गया था। ये वाले बंदे को भी यहाँ पे BRDM से उड़ा दिया। अब यहाँ पे अपने को छोड़ के बचे थे 3 बंदे और। अब यहाँ पे लास्ट वाला बंदा सामने साइड पे जंप कर रहा था। हेलो हेलो हेलो, अरे चिराग भाई बोल रहे हो क्या? अच्छा, अरे विवेक विवेक वाईटी, विवेक वाईटी। हाँ, मार दो भाई। बाय बाय बाय। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 5 घंटे से ज़्यादा गेम खेल लिया था, मेरे को डर था कहीं अपनी लिमिट न लग जाए, तो ये भाई को मैं बोलता हूँ थोड़ा जल्दी मैच खत्म करते हैं। ये भाई अपने को चिकन दे देता है। 23 पॉइंट का प्लस अपने को ये वाले गेम में मिला था, जो कि हैकर को नीचे गिराने के लिए काफ़ी था। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं रैंक पे क्लिक करता हूँ अपना टाइम लिमिट दे देता है, तो यहाँ पे मेरे को पता नहीं चलता अगर मेरा नंबर 1 रैंक यहाँ पे आया है या नहीं। तो जल्दी से अपना अभी मैं मेन अकाउंट लॉगिन करता हूँ। एंड यहाँ पे जैसे ही अपना मैं मेन अकाउंट लॉगिन करके रैंक चेक करता हूँ, फाइनली अपना रैंक यहाँ पे हैकर्स को नीचे गिरा के नंबर 1 पे आ चुका था। आप में से जो लोग अभी STR पे 150 पॉइंट कराने वालों के लिए 250 एंड डायमंड वालों के लिए 300 पॉइंट का कल का आपका टारगेट रहेगा। गेम प्लेस अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर आपको ऐसे ही रैंक को नस्ली कॉन्कर लॉबी के गेम प्लेस देखना पसंद हो तो सिर्फ यार आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और बाकी अगर किसी को कुछ पूछना हो या कुछ बात करनी हो तो आप इंस्टाग्राम पे आके मेरे को DM कर सकते हो। तो मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।